भारतीय सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्मों से नवाजने वाले मशहूर निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। इस मल्टी स्टारर फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह तमिल सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों में से एक बन चुकी है। फिल्म को मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद टिकट खिड़की पर इसने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। इन रिकॉर्ड्स में अब वृद्धि हो गई है। पोन्नियिन सेल्वन ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कर लिया है। ऐश्वर्या राय बच्चन, विक्रम और कार्ती जैसे कलाकारों से सजी इस पीरियड ड्रामा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 50 दिनों में PS1 ने दुनिया भर में ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म पहले ही कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है, वहीं अब इसने कमाई का एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। दरअसल फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए के क्लब में एंट्री ले ली है। बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का यह आंकड़ा फिल्म ने 50 दिन में पूरा कर लिया है। इस बात की जानकारी खुद फिल्म के मुख्य कलाकारों में से एक अभिनेता विक्रम ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए दी है। विक्रम फिल्म के पोस्टर साझा करते हुए लिखते हैं, कोई मुझे चूटी काट के बताए कि यह एक सपना तो नहीं है। इसके साथ ही PS1 यह मुकाम हासिल करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। इससे पहले यह उपलब्धि रजनीकांत की फिल्म 2.0 ने हासिल की थी। इस फिल्म ने न केवल साउथ में बल्कि हिंदी पट्टी के दर्शकों को भी बखूबी लुभाया था। लोगों के बीच फिल्म के दूसरे पार्ट की रिलीज को लेकर भी काफी उत्साह देखने को मिला है। पिछले दिनों खबर आई थी कि जल्द ही फिल्म का दूसरा पार्ट सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है। बीते दिनों सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 2 की रिलीज डेट तय हो चुकी है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अगर सब कुछ सही रहा तो यह फिल्म अगले साल 28 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे देगी। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स जल्द ही आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि अगले साल फरवरी से इस फिल्म के ऑडियो और प्रोमो वीडियो भी सामने आने लगेंगे। इस फिल्म को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट्स सेक्शन में बताइए।